खबर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से है, जहां नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी वार्ड में कूड़े का ढेर बना हुआ है। नगर पंचायत के कर्मचारी पहाड़ों की सफाई को लेकर सुस्त पड़े हुए हैं। नगर पंचायत के सभी वार्डों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जबकि अधिकारी का सख्त निर्देश है अगर सफाई नहीं होगी तो कार्यवाही होगी। आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान दिनेशपुर नगर पंचायत जो 9 वार्ड है, अपर जिला अधिकारी की देखरेख में चल रहा है। वर्तमान समय में नगर पंचायत जिला प्रशासन हाथ में है, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, जिस कारण से कर्मचारी हावी हो गए। नगर में सफाई व्यवस्था सही नहीं हो रही है। सभी वार्डों में नाली सफाई की गंदगी 15 दिन से उठाने वाले कोई नहीं आ रहे हैं। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। देखिए, उनकी के सामने गंदगी का रहा है, सही नहीं है ये। मतलब यहाँ से बदबू भी आता है और गंदगी भी हो रहा है स्कूल के सामने। ये बनना, इसको साफ कराना चाहिए, बोलेंगे हम लोग, ये हंगामा करेंगे। बता गांव के लोगों को बोलते हैं, गांव के लोग हमें ही उल्टा सुनाते हैं, और इनके लिए इन्हें फेंकने के लिए मना किया गया। ये हमारे स्कूल में बहुत असुविधा होती है, पहले वहाँ पे फेंकते थे, अब यहाँ पे फेंकते हैं। अरे सफाई करने वाले तो रोज आ रहे हैं, लेकिन उनसे कह भी रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सब मतलब सफाई नहीं कर रहे। लगभग 1 हफ्ता हो गया, रोज कह रहे हैं कूड़ा को उठा लो, कूड़ा को उठा लो। ये आपके सामने ही है, आप इन्हें देखें, 1 हफ्ता भर हो चुका है लगभग, ये अभी तक उठा नहीं है। और सामने यहाँ गाँव में गली में बच्चे रहते हैं, बीमारियों की जड़ है ये। हम तो बस इतनी उम्मीद करते हैं कि अर्जन साहब से और यू मैडम से कि इसको तत्काल से इसको साफ करवाएं, नहीं तो जो स्थानीय लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर फिर नगर पंचायत में मतलब एक घेराव करेगा, या घेराव कह सकते हैं, या जो भी है अपनी एप्लीकेशन या अपनी परेशानी वो उनके साथ फिर बात की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।